उदयपुर में पिछले दिनों आदिवासी युवक के साथ हुई मारपीट मामले ने शुक्रवार को बड़ा रूप ले लिया। उदयपुर के उदय सागर क्षेत्र में शुक्रवार को आदिवासी समाज उग्र हो गया। आदिवासी समाज ने शुक्रवार को झील के किनारे जाकर मछली ठेकेदारों की नावों में आग लगा दी, साथ ही मछली ठेकेदारों के टेंट भी जला डाले। भारी मात्रा में आदिवासी समाज के लोगों के एकत्रित होने से पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस दौरान वहां मौजूद राफेल्स होटल के बैक ऑफिस में रखा कुछ सामान भी जल गया। कुछ ही देर में आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो गया और इस दौरान मारपीट और तोड़फोड़ की सूचनाएं भी सामने आई। इसके चलते उदयपुर के SP मनोज चौधरी मौके पर पहुंचे, वहीं भारी जाप्ता पुलिस भी तैनात की गई। मौके पर हुई आगजनी को कंट्रोल करने के लिए 5 सरकारी और 1 हिंदुस्तान सिंह की फायर ब्रिगेड सहित 6 गाड़ियों को वहां बुलवाया गया। मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। दरअसल ये विवाद पिछले दिनों के एक आदिवासी युवक के साथ मारपीट से शुरू हुआ था और यहां के आदिवासियों का कहना है कि उदयसागर झील में मछली पालन करने वाले ठेकेदार किसी को भी झील किनारे नहीं जाने देते, साथ ही मारपीट भी करते हैं। कुछ महीनों पहले भी ऐसा वाकया हुआ था, वहीं पिछले दिनों भी एक आदिवासी युवक के कपड़े फाड़ कर उसके साथ मारपीट की गई। इसी के विरोध में आदिवासी समाज ने शुक्रवार को यह प्रदर्शन किया। मामले को लेकर उदयपुर SP मनोज चौधरी ने बताया कि मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद उनको आइडेंटिफाई कर FIR कराई गई और उसी आधार पर तलाश जारी की। आदिवासियों की मांगों पर हम बात कर रहे थे और उन्हें आश्वासन दिया गया था, मगर उनमें से कुछ लोगों ने उग्र होकर टेंट वगैरह में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव भी किया। वहां राफेल के 1-2 कमरों में रखा सामान और डीजी सेट जल गया। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।